Good evening everyone. Today we are going to start equipotential circuits. Right now we have already studied potential electric field. Okay, तो equipotential circuit क्या होता है? ऐसा circuit जिसके हर किसी point पे potential का value same हो. ठीक है? ऐसे point, ऐसे circuit जिसके हर किसी point पे potential का value same हो, ऐसे circuit को कहेंगे हम equipotential. ओके, तो हम इसको देखेंगे कैसे इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करते हैं, किस सोर्स के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है और इसके पोटेंशियल और इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये सभी चीजें देखेंगे. ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस को लिखेंगे. द सरफेस, द सरफेस एट विच द वैल्यू ऑफ the value of electric potential is equal at each and every point, at each and every point of the surface, of the surface. A is for equipotential surface. इस दूसरे टर्म में कहेंगे तो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस एट विच द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस. लिखेंगे इन अनदर वे, इन अनदर वे द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस at which the value of electric potential is same is called equipotential. The locus of all the points on the surface at which the value of electric potential are equal is called equipotential surface. It means ऐसा surface जिसके हर किसी point पे potential का value equal हो, ऐसे surface को क्या कहेंगे? Equipotential surface कहेंगे. एक बार हम draw करते हैं point chart के कारण, एक बार इसको देखो, इसमें कोई problem तो ये different definition है. डिफाइन करने के बाद हम इसको ड्रॉ करेंगे कि कैसा होगा पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल सरफेस, क्या होगी इसकी प्रॉपर्टी. ओके, जैसे एक पोटेंशियल सरफेस ऑफ अ पॉइंट चार्ज, जैसे एक पॉइंट चार्ज है, यहां देखेंगे ये पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव. पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है अगर, इसके कारण इक्विपोटेंशियल होगा कंसेंट्रिक स्फीयर. स्फेरिकल अगर सरफेस ड्रॉ करेंगे वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा. जैसे नेगेटिव अगर चार्ज है इसके कारण भी कंसंट्रेट स्फीयर भी होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा. तो फिर डिफरेंस क्या है? अगर पॉजिटिव के कारण भी कंसंट्रेट स्फीयर है और नेगेटिव के कारण भी कंसंट्रेट स्फीयर है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू इक्विपोटेंशियल सरफेस? तो दोनों ही इक्विपोटेंशियल सरफेस ही कहलाएगा, बट देयर इज अ डिफरेंट वैल्यू. हियर पॉजिटिव पोटेंशियल, यहां पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, जो पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव. इफ द सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा. यहां पे ज्यादा होगा, यहां पे कम होगा, यहां पे कम होगा. क्यों?
चार्ज से जैसे हम सेपरेट होते हैं, दूर जाते हैं, तो पोटेंशियल की वैल्यू घटता है बिकॉज 1/4 epsilon naught q/r। यहाँ पे भी पोटेंशियल जैसे जैसे दूर जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इसका मतलब पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होगा। मतलब क्यों? क्योंकि निगेटिव में वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, राइट ना। तो यहां से हम देखेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दें इस चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, और अगर याद है हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी एंटरिंग इनटू द नेगेटिव चार्ज, ओके ना। तो दिस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट ना। ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा कहीं भी किसी भी जो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है दैट विल ऑलवेज फॉर्म परपेंडिकुलर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके। तो यहां से इसके कारण भी अगर ये फील्ड हम देखेंगे, थोड़ा सा हम सेपरेट ही कर लेते हैं इसको, जैसे ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज यहां है, इसके कारण भी इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होगा, राइट। ये स्फीयर है, ये स्फीयर है। अब देखिए कि स्फीयर मतलब क्या है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस सरफेस पे पोटेंशियल अलग होगा, इस सरफेस पे पोटेंशियल अलग होगा, इस सरफेस पे पोटेंशियल अलग होगा, लेकिन इस सरफेस पे दूसरे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। ये क्या है, स्फीयर है, स्फीयर एक पॉइंट चार्ज है, दिस इज लाइक ए स्फीयर, स्फीयर की स्फेरिकल सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगा, दूसरा स्फीयर कुछ और दूरी पे उसके पोटेंशियल का वैल्यू उस सरफेस पे सेम होगा, थर्ड पे भी पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगा, जो पॉजिटिव चार्ज के क्लोजर होगा उस पे पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, जैसे जैसे दूर जाएगा पोटेंशियल का वैल्यू घटता जाएगा। ये बातें अगर पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस क्या हो जाएगा, इसमें भी ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, एंड अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, हमेशा ही। ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर। अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, हाईएस्ट पोटेंशियल इज ओवर दिस सरफेस, उससे कम इसमें है, उससे कम इसमें है, पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, घट रहा है, कैसे, इफ वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मींस व्हेन वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल ऑलवेज रिड्यूस ऑलवेज डिक्रीज, ओके। यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन नेगेटिव विल डिक्रीज, नेगेटिव में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा मतलब इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगा इन केस ऑफ पॉजिटिव सोर्स चार्ज या इन केस ऑफ नेगेटिव सोर्स चार्ज या किसी भी केस में, हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज करता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करता है। जैसे यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू घटता जाएगा इंफिनिटी पे जीरो हो जाएगा, तो ये सबसे ज्यादा होगा इंफिनिटी पे जीरो कम होगा। अगर यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे इंफिनिटी पे क्या होगा, जीरो होगा, जैसे जैसे आएंगे तो नेगेटिव में वैल्यू बढ़ता जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव में मैक्सिमम नेगेटिव में मैक्सिमम होगा, इट मींस मिनिमम, इनफिनिटी पे जीरो, यहां पे नेगेटिव में मैक्सिमम मतलब मिनिमम, जीरो इज मैक्सिमम एंड एट दिस पॉइंट इट विल बी मिनिमम, एनी प्रॉब्लम। तो इन दो
पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये होता है, हम इसको लिख देंगे। ये क्या है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये तीनों ही इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन कौन है पोटेंशियल सरफेस मान लेते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ओके, यहाँ पे भी ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये तीनों ही इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये वन सरफेस, ये टू सरफेस, ये थ्री सरफेस, ऐसे यहाँ पे लिख देंगे ये वन सरफेस, ये टू सरफेस, ये थ्री सरफेस, ठीक है ना। इक्विपोटेंशियल अब यहाँ पे एक फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस, राइट ना, इसको हम यहाँ पे पोटेंशियल V1 लिख देंगे, यहाँ पे V2 लिख देंगे, यहाँ पे V3 लिख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, तो इक्विपोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1 is, what we can write, V1 is less than V2 and less than V3। क्यों, V1 कहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होता है, घटता है। तो सबसे आगे कौन है, V1, इसी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पोटेंशियल सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, वी आर गोइंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मींस व्हेन वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विल इंक्रीज, इफ वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिक्रीज। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर इस पोटेंशियल इस सरफेस का V1 और V2 और V3 लिख देंगे, क्या हो जाएगा, V1 is greater than, V2 is greater than, V3, ओके ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉइंट क्या है यार, ऐसे दूसरा तीसरा चौथा जो भी दूर ज्यादा जाएगा पोटेंशियल की वैल्यू घटती जाएगी, V1 greater V2 greater than V3, ओके। यहाँ पे V1 सबसे स्मॉलर, V2 स्मॉलर, ग्रेटर देन V1 एंड V3 इज ग्रेटर देन V2, because we are going opposite to the electric field, because electric field due to negative charge is towards the negative charge, due to positive charge is away from the positive charge, okay। electric field lines kya hota hai, perpendicular hota hai, ye cheeze humne yahan pe dekh liye। ek aur equipotential surface hum draw kar sakte hain, yahan pe cylindrical equipotential surface, cylindrical, jaise line charge hai, लाइन चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, राइट। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, स्टार मार्क के लिए लिखेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस due to point charge R concentric spherical surface, हमेशा concentric spherical surface जो होगा वो point charge के कारण इक्विपोटेंशियल potential surface। जैसे एक हमने लाइन चार्ज ड्रॉ कर दिया, सपोज करो ये लाइन चार्ज है, थोड़ा छोटा लाइन चार्ज बनाते हैं, अगर एक लाइन चार्ज है, हम यहाँ पे थोड़ा और डिस्कशन करेंगे, मैथमेटिकली भी देख लेंगे, हम अगर एक लाइन चार्ज लेगा, लाइन चार्ज के कारण एक पोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, कंसंट्रेट सिलेंड्रिकल, राइट ना, लाइन एज अ एक्सिस ऑफ सिलेंडर, राइट, यस, ये हो जाएगा। यहां पे अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा,
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लियर हो जाएगा, ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगा। ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे भी देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज लाइक दिस। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लगेंगे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, सिंपली क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? ऐसा हमने जैसे लाइंस के लिए ध्यान देखेंगे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये ध्यान अभी भी रखेंगे, ये इस तरह से ओरिएंट करेगा सो दैट दे कैन नेवर इंटरसेक्ट, राइट ना? मैंने ऐसे ही ड्रॉ करा है यहां, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। किस तरह से लाइन ये है, सपोज करो दिस इज द लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अवे इन ऑल द डायरेक्शन। अगेन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा, ये दिस इज द 90 डिग्री। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करता है, और वो जो वैल्यू होता है सबसे रेट ऑफ डिक्रीजमेंट रेपिडेसेंट और इज वेरी हाई, या फिर यू कैन कह लो मैक्सिमम। कैसे? तो फ्रॉम रिलेशन एक लाइन यहां पे स्टार्ट करके लिख देते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। देखो ये दिस इज प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस इज नॉट ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां पे पोटेंशियल अलग, यहां पे हर पॉइंट पे अलग होगा, लेकिन इस लाइन अगर लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज के कारण कर्व सरफेस जो होगा सिलिंड्रिकल कर्व सरफेस, दैट इज ओनली इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट ना? लिखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू लाइन चार्ज इज ऑलवेज concentric cylindrical curved surface। हमने पॉइंट चार्ज के कारण स्फेरिकल सरफेस, और इसमें सिलेंडर में क्या होता है प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस दोनों होते हैं, ओनली कर्व सरफेस, और कंसेंट्रिक सरफेस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे देखेंगे अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो ये V1 अगर है, ये V2 है, तो V1 इज ग्रेटर देन V2 बिकॉज लाइन चार्ज से जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, तो V2 लेस होगा और V1 ग्रेटर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल इज परपेंडिकुलर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज एक तरह से है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब ध्यान दे रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज परपेंडिकुलर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ही बात है। मतलब कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, अगर हम टेंजेंट डालेंगे, द टेंजेंट एट दैट पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में हमेशा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। ये थी पॉइंट चार्ज के कारण स्फेरिकल कंसेंट्रिक सरफेस होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, लाइन चार्ज के कारण स्फेरिकल सिलिंड्रिकल कर्व सरफेस कंसेंट्रिक, राइट? नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये हम ये प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां पर लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस।
ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, ये हो गया, या फिर मैं फिर से लिख रहा हूँ प्रॉपर्टीज को, कोई बात नहीं। रिलेशन बिटवीन हम देखेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट वी नो, हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू घटता क्यों, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में घटता क्यों है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे के डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होता है। ओके, ये वी नो, व्हाट वी नो, डीवी इक्वल्स टू, हम क्या जानते हैं, डीवी इक्वल्स टू माइनस E dot dr, right ना? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? E dot dr होता है। इसको मैं एग्जांपल दे दिया, फिर से ड्रॉ कर लेंगे, ज़्यादा पड़ेगा। dv equals to E dot dr, dot product क्या है? अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में r डिस्टेंस लेकर चलते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना चेंज होता है? E dot dr के बराबर। dv क्या है? स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, कितना होता है? E और dr के डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट अगर कर देते हैं, dv की वैल्यू क्या हो जाता है? माइनस E dr cos θ, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस dv / dr इक्वल टू क्या हो जाता है? E cos θ। अब ये माइनस क्या बताता है? माइनस बताता है डिक्रीज करता है, dv मैग्नीट्यूड माइनस, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो डिक्रीज करता है। और माइनस डीवी बाय डीआर ई कॉस थीटा, व्हाट इज ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डीआर डायरेक्शन। हम अगर वेक्टर अच्छे से जानते हैं तो हम देखते हैं, जैसे ए वेक्टर ये है और अगर बी वेक्टर ये है, फिर दिस वन इज थीटा, तो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए इज बी कॉस थीटा, और कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी इज ए कॉस थीटा। इसीलिए इसी तरह सिमिलर क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इफ दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इफ दिस वन इज सपोज करो डी आर वेक्टर, राइट ना, इफ दिस वन इज थीटा, देन व्हाट इज दिस इज अलोंग दिस कंपोनेंट ई कॉस थीटा, तो व्हाट इज ई कॉस थीटा, व्हाट इज दिस इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीआर, लिखेंगे इसको, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग this small displacement dr, e cos theta का मतलब component of e along dr, okay। अगर हम किसी theta angle पे dr distance travel किया तो what will be the potential difference, e cos theta dv by dr, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा। अगर हम देखो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमने थोड़ा सा डीआर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो थीटा विल बी जीरो, तो कॉस थीटा डीवी बाय डीआर इज ई, व्हाट इट मींस कॉस थीटा कॉस जीरो इज मैक्सिमम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल इज मैक्सिमम, ओके ना, व्हाट इट मींस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस मैक्सिमम, राइट ना, एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन वो होता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम डिक्रीज करता है। कैसे पता चलता है, देखो अगर हम इस डायरेक्शन में डीआर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में डीआर जा सकते हैं, dr की डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हम dr से मूव कर सकते हैं, तो उस इसमें और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हो जाएगा e cos theta, हो जाएगा।
अगर हम इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ई के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो थीटा इज 0 ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस dv / dr इज इक्वल्स टू ओनली e हो जाएगा। इट मींस क्या है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम डिक्रीज करेगा। इट मींस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज डिक्रीजेस विद द मैक्सिमम रेट। इन अनदर वे यू कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन इन व्हिच द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल decreases rapidly max with the maximum rate। आप दोनों ही तरह से इसको analyze कर सकते हो। Okay, तो यहाँ से हमने देख लिया e cos theta, right ना? अब देखो, इसका जो होता है equipotential surface के direction में, अगर इस direction में जा रहे हैं, अगर equipotential surface का component क्या होता है? Zero होता है। The component of electric field का component along the equipotential surface is always zero। क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के डायरेक्शन में dr या कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल कर लो, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जीरो। व्हाट इट मींस, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। दिस इज बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस at all the points on the equipotential surface is always zero। तो zero, अगर dv zero होगा तो e cos theta भी zero होगा। तो dv zero कहाँ पे होगा? Equipotential surface पे। क्यों होगा? क्योंकि उसके हर point पे potential की value same है, तो change in potential का value zero होगा। और इधर change in potential का value zero होगा, तो component of electric field along the या parallel to the equipotential surface is always zero। तो यहाँ तक हमने देख लिया, ये मैथमेटिकली हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्यों घटता है वो क्या है, राइट ना? तो ये चीजें लिख दिया हमने, सारी बात डिस्कस कर लिया हमने। अब हम यहाँ पे कुछ बातें और प्रॉपर्टी के टर्म्स में स्टडी करेंगे, तो लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं कैसे लिख रहा हूँ वहाँ पे properties of equipotential surface, properties of equipotential surface। First, equipotential surface between any two points, on the equipotential surface is always zero, क्योंकि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो सेम में से सेम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड, द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स इज ऑलवेज जीरो इन मूविंग एनी चार्ज ऑन द लिक्विड potential surface।
अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी एक चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण या इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण वर्क हमेशा ही जीरो होगा। क्यों? वर्क क्या होता है? माइनस डेल यू, और माइनस डेल यू क्या होता है? माइनस क्यू डेल वी, और डेल वी क्या होता है? डेल वी, डेल वी इक्वल्स टू जीरो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो वर्क क्या होता है? और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर दो चार्ज रखा हुआ है इक्वल तो पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। ओके, तो यहाँ से ये दो पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इसका थर्ड पॉइंट। Electric field lines are always perpendicular electric field lines is always are perpendicular on the potential इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा या इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखेंगे, लिखेंगे द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो, राइट ना? कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। फोर्थ पॉइंट और एक चीज देखते हैं, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज मैक्सिमम decrease with the maximum range, in the direction perpendicular to the equipotential surface. Okay, यहाँ पे ये सारे हमने यहाँ पे लिखा है electric field lines always perpendicular on the equipotential surface. Next is component of electric field parallel to the या along the equipotential surface is always zero. यहाँ पे मैंने लिखा था वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस विद द मैक्सिमम रेंज इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन व्हिच इज परपेंडिकुलर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस के डायरेक्शन में द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज मैक्सिमम। इट मींस पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग विद द मैक्सिमम रेंज in the direction perpendicular to the equipotential surface, yeah, in the direction of the electric field.
कोई प्रॉब्लम, दिस इज अ लाइन। तो इस तरह से हम देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब। अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे जीरो है, अब उसमें इक्विपोटेंशियल मतलब क्या, पोटेंशियल का वैल्यू जीरो है तो सभी पॉइंट्स पे जीरो है। अगर पाइप है तो पाइप इज एट ऑल द पॉइंट्स, इफ द पोटेंशियल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज द 10 दैट द होल सरफेस का पोटेंशियल 10 होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस हैज सेम पोटेंशियल दैट इज 10 जूल या 10 जूल पर, तो उसको हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। वी हैव स्टडीड होल अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इतना अगर हम जानते हैं कि पॉइंट्स को याद रखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड सभी चीजें हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जरूरी है, राइट। उस बेसिस पे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ओके, तो आज का ये क्लास हम क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट।